प्रांजल, आपसे लगातार मैं बातचीत कर रही हूँ, आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कांटे की टक्कर कौन कौन से प्रत्याशी के बीच है और कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो विधायक हैं और एक बार फिर से आम जनता चाहती है कि वो विधायक के रूप में दिखे उन्हें। जी, आपको बता दें 127 सदर विधानसभा जो पीलीभीत की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा जबरदस्त टक्कर की जो मानी जा रही है, यहाँ पे संजय सिंह गंगवार जो है सदर विधानसभा से विधायक भी हैं और वहीं भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार, उनसे इनकी जो है टक्कर भरपूर जबरदस्त टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है लगातार। और वहीं लोगों की जो लोकप्रियता है वो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार की तरफ जो है झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार को, समाजवादी पार्टी के यहाँ से सदर सीट से जो है प्रत्याशी भी हैं। वहीं बात की जा रही है सदर विधानसभा के विधायक की, लोग उनसे काफी खासा जो है यहाँ पे नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग जो है बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। प्रांजल पीलीभीत शहर की, बरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर में कैसे हालात है? जी, मैं बरखेड़ा विधानसभा की बात करूं तो बरखेड़ा विधानसभा में किशनलाल राजपूत जो है यहां से विधायक थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट कर जो है स्वामी प्रवक्तानंद को यहां पर जो है 128 बरखेड़ा विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी बनाया। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो हेमराज वर्मा है जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे समाजवादी पार्टी के, उनके साथ इनकी जो है जबरदस्त टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही बात करें 129 पूरनपुर विधानसभा की, तो पूरनपुर विधानसभा में जो वर्तमान जो विधायक हैं बाबूराम पासवान हैं, उन्हीं को पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी यहां पर बनाया और चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रीतम राम जी थे जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे समाजवादी पार्टी में, वो उनकी कोरोना काल में डेथ हो गई, तो उनकी जो पुत्रवधु है आरती महेंद्र, उनको यहाँ से टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारा है और सीधी टक्कर जो है सपा और भाजपा में यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही बात करते हैं 130 बीसलपुर विधानसभा की, बीसलपुर विधानसभा सीट पर जो रामचरण वर्मा जो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने राजनीति से संन्यास यहाँ पर ले लिया है। उन्होंने अपने बेटे विवेक वर्मा को चुनाव मैदान में यहाँ से उतारा है।